सर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव RX 100 और भाई ये RX 100 है हमारे पास, देख सकते हैं। पावर बॉक्स का वो नहीं है और ये 100cc कार्बोरेटर लगा हुआ है गाड़ी में। 135 लिखा हुआ है, इससे मत जाइए क्योंकि पैनल दूसरी गाड़ी के लगे हुए हैं, टंकी दूसरी गाड़ी की लगी हुई है। RX 100 बवाल चीज़ थी, बवाल चीज़ है, बवाल चीज़ रहेगी भाई, यही इसके बारे में कह सकते हैं। पिकअप लाजवाब है, पावर टू वेट रेशियो ख़तरनाक है भाई। 100cc गाड़ी है, 100 किलो की गाड़ी है, 1cc पे 1 किलो के आसपास लगता है इस पर, और बहुत अच्छी पावर है भाई। बैठोगे खींचती बहुत अच्छा है, और 90s का मॉडल है गाड़ी है, और काफ़ी सक्सेसफुल गाड़ी थी उस समय की। 2-स्ट्रोक इंजन की वजह से ये बंद हो गई, 4-स्पीड गेयरबॉक्स आता था गाड़ी में। और यही थे भाई कुछ स्पेक्स, थोड़ा बहुत राइड कर देंगे इसको आज, और भाई आज मिली है तो मौका नहीं छोड़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। और ये गाड़ी क्लच पे भी स्टार्ट हो जाती है, पहले या फिर दूसरे पे आप रहेंगे, तीसरे चौथे भी रहेंगे तो क्लच दबा के स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी, कोई इशू नहीं होता है। और बवाल है गाड़ी, आवाज़ कुछ इस तरीके की आती है, सबको प्यार है आवाज़ से, मतलब इसकी रुक रुक के आवाज़ नहीं आती, बहुत जल्दी जल्दी आवाज़ आती है। पहला गियर बहुत नॉर्मल है, मतलब पिकअप काफ़ी अच्छा है, वो लगाएंगे इसको। RX 130 से काफ़ी डिफरेंट है भाई, लगा नहीं था इतना डिफरेंट होगा। अबे भाई 80 छू गई थी, इतनी बवाल गाड़ी कैसे सकती है कोई यार, अरे भाई खतरनाक पीस है भाई RX 100 भाई, खतरनाक पीस है यार। इतना प्यारा पुल, मैं 80 चला गया था भाई, पता तक नहीं चला था मेरे को। और बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट मिलता है आपको, थोड़ा आरपीएम आप खींचेंगे ना उसके बाद अचानक से ही पुल करेगी भाई, और ऐसे उड़ती है उसके बाद जैसे 2 रूम हो इसके। बस भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर पसंद आया तो भाई एक और वीडियो हम बना सकते हैं इसके लिए, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और भाई से हम बात करके इसकी वीडियो भी शूट करेंगे फिर से। सो ये थी भाई लेजेंडरी RX 100 इन शेप ऑफ RX 135। कैसी लगी भाई कमेंट ज़रूर बताइएगा। इसी नोट के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it.